समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को बड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से सपा कार्यकारिणी और सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। इसमें राष्ट्रीय के साथ प्रादेशिक इकाई के अलावा लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड शामिल है। वहीं सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को अपने पद पर रखा गया है। वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद 8वें दिन ये एक्शन लिया है। अखिलेश ने दोनों ही जिलों के जिला अध्यक्ष से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यकारिणी भंग कर दी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को नई टीम के गठन की जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने दोनों जिला अध्यक्षों से समीक्षा रिपोर्ट मांगी थी। अखिलेश ने नई टीम के गठन के लिए 4 समिति के सदस्य नामित करने को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव 2 बार विधायकों और सांसदों की बैठक बुला चुके हैं। बीते 24 जून को प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक अखिलेश यादव ने मंडलवार समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक के दौरान कई नए पदाधिकारी बनने के लिए प्रस्ताव आए थे। इस पर अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को आने वाली कमेटी में शामिल किए जाने तक इंतजार करने के लिए भी कहा था। वहीं अखिलेश यादव की इस रणनीति को साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी की इकाइयों को भंग करने के बाद अब प्रदेश स्तर पर एक बार फिर मजबूती से खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में संगठनात्मक चुनाव की भी तैयारी हो सकती है। इससे पार्टी को निचले स्तर पर मोबिलाइज करने में मदद मिलेगी। वहीं सभा के इस एक्शन को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अब अखिलेश संगठन में पूरी तरह से बदलाव करने जा रहे हैं। अब संगठन में मुलायम सिंह यादव का भी प्रभाव दिखता है। अब अखिलेश नई सपा की नई सोच को ऊंचे स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM UP।